नमस्कार, मैं हूँ सरगम पंत और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश गुरु मंत्र। और आज हमारे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव। क्वेश्चन दाता, तो एक बार फिर से आप सभी को याद दिला दूं कि आप गुरु मंत्र के पेज को फेसबुक पर लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। वहाँ आप गुरुदेव से सवाल भी पूछना चाहते हैं, और अगर आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, गुरुदेव से कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं, तो उसका तरीका भी बेहद आसान है। उसके तीन तरीके हैं। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जो फोन नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमें टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही ईमेल आईडी www.gurumantra@itvnetwork.com इस पर मेल कर सकते हैं। और अगर आप हमारे शो पे लाइव कॉलर बनना चाहते हैं, तो इसका जिक्र आप हमें मेल करते समय कर दें, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। आज जब मैं सुबह उठी तो मैंने एक सपना देखा कि मैं पानी में तैर रही थी, और जैसे ही मेरी आंखें खुली मैंने महसूस किया, मैंने ये देखा कि अरे मैं तो कमरे में ही हूँ। मैं जानती हूँ कि सपने हम सभी को आते हैं, मैं अकेली तो नहीं, लेकिन बहुत सी बार ऐसा होता है कि जब सपना अच्छा होता है तो हम चाहते हैं कि काश ये सपना हकीकत में तब्दील हो जाए, और अगर सपना बुरा होता है तो हम ये आशा करते हैं काश ये सपना कभी भी सच ना हो। पर क्या इन सपनों का कोई मतलब होता है? क्या ये सपने किसी और इशारा कर रहे होते हैं? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा और कौन से अन्य विषय होंगे ये भी जान लेते हैं। कौन से सपने आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे? अब आपको बुरे सपनों से डरने की जरूरत नहीं। बदलिए अपने सपनों को हकीकत में। सपनों में आने वाली समस्याओं का सीधा समाधान। गुरुदेव, आज सपनों की हो रही है, बड़ा अलग सा विषय है। सपने तो हम सभी देखते हैं, और वाकई में बहुत सी बार मेरे साथ हुआ है गुरुदेव, जब बुरा सपना होता है तो सर में दर्द होता है, ऐसा लगता है ये तो कभी ना हो, और अच्छे सपने देखकर लगता है काश थोड़ी देर और सो लेते और सपना देख लेते। लेकिन क्या उन सपनों का कोई मतलब होता है? मैं हमेशा सोचती हूँ क्या मतलब है, ग्रहों से क्या संबंध होगा इसका? किसी की भी जिंदगी है वो चलाते तो सारे ग्रह ही है, और ये जो सपने भी आते हैं वो ग्रहों के भले और बुरे होने पे ही आते हैं, समझ गए? जैसे तुमने जिक्र किया कि तुम पानी में तैर रही थी, यही देखा तुमने सपने में, इसका मतलब ये है बेटा कि आने वाले कुछ समय के बाद में तेरे घर में खुशहालियां आएंगी, और किसी भी तरह की सिचुएशन है जिनके ऊपर, जिनको लेकर के दिमाग के ऊपर जोर पड़ता है, और आर्मी थोड़ी देर के लिए परेशानी महसूस करता है लेकिन साथ में कर्म करता है, इसका मतलब यह है कि जिस तरह की मर्जी इस समय में तेरे ऊपर परेशानी है तो सोच समझ से और अपनी मेहनत से इन दिनों में उनको पार करेगी और पूरी सक्सेस होगी, समझ गए? इस सपने का मतलब ये है, ठीक है? इसी तरह से बेटा, जब भी कभी किसी के अच्छे ग्रह होते हैं उसको कुदरती तौर पर सपने भी ऐसे ऐसे आते हैं कि जो साफ इंडिकेशन दे रहे होते हैं कि तेरा भविष्य बहुत सुनहरी है और तू जिंदगी के अंदर बेहद ऊंचाई के ऊपर जाएगा। और जब भी किसी के बुरे बुरे सपने आते हैं, भूत प्रेतों के आते हैं, सांपों के काटने के आते हैं, सांप पीछे भाग रहा है इस चीज के आते हैं, पानी के अंदर डूबने के आते हैं, या पांव के नीचे से धरती ही खिसक गई वो निकल के चले गए, या पहाड़ पे से लुढ़कते ही आ रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे सपने हैं जो इंसान को साफ उसकी बर्बादी का इंडिकेशन दे रहे होते हैं। और जब भी अच्छे सपने आते हैं, आप देखेंगे कि भले ही ऐसा बच्चा जब उम्र में छोटा हो, माँ बाप से हफ्ते में चार बार वो डांट खाए या मार खाए, उसके बावजूद भी उसकी मानसिकता बड़े ऊंचे स्तर के ऊपर उठती चली जाती है, और उसके अंदर सोचने समझने की और किसी की भी बात को समझने की शक्ति बहुत ही ज्यादा होती है, कि यानी कि पड़ोस के घर में बैठे हुए अगर कोई ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं तो उसको भी वो कान में टकटकी लगा करके एक्सपीरियंस गेन कर रहा होता है, ठीक है? लेकिन जब किसी के बुरे सपने होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि उसके बुरे ग्रह उसकी सहन शक्ति के अंदर कमी कर रहे हैं, उसको डरा रहे हैं, ऐसा बच्चा अपने माहौल से भागता है। ऐसे बच्चे को जब भी डांटा जाए तो वो बहुत देर के लिए अपने आप को एकांत में ले जाता है और माहौल से बचने की कोशिश करता है। ऐसा बच्चा जब तक हंस खेल रहा है तब तक अच्छा, थोड़ी सी उदासी उससे बर्दाश्त नहीं होती,
और सोचने समझने की शक्ति कमजोर होती चली जाती है, जिसके कारण उसके जीवन के अंदर सीखना, बढ़ना और पढ़ना सब कुछ उसके लिए मुश्किल होता चला जाता है। और बुरे सपने जिनको आते हैं बेटा, इन्हीं के मार्क्स कम भी आते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ तय तो ये ग्रह ही करते हैं, ग्रहों के इलाज होते गए तो ये सपने भी अच्छे आने लगेंगे। ग्रहों के इलाज जब तक नहीं है और किस्मत में बुरा वक्त लिखा हुआ है, तब तक ये बुरे सपने पीछा नहीं छोड़ते। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ रीटा जुड़ी हुई है जालंधर से। रीटा जी, गुरुदेव से आप जो कुछ भी सवाल पूछना चाहती हैं अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, उससे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, समय, स्थान बता दीजिए, फिर जो कुछ भी आप सवाल पूछना चाहती हैं वो पूछ लीजिए। गुरु जी के चरणों में दल पत्ता नाम। गुरु जी खुश हो बेटा, सुखी रहो, दाता सुख दे। गुरु जी मेरी जन्म तारीख 23/3/1976 है। दोबारा बोलो बेटा। 23/3/1976। 23 यानी 23। जी 1976 है। टाइम है 8:10 PM। प्लेस है जलंधर। ठीक है गुरु जी, मेरा कपड़े का काम है। मेरा लास्ट 2 सालों से काम अच्छा नहीं चल रहा है, जिससे मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। मुझे उसके बारे में जानना था। बड़ा तेरी जन्म कुंडली के अंदर इस वक्त में जिस ग्रह का समय चल रहा है अंतर्दशा में, वो बुध को ही खराब कर रहा है। और जब भी बुध खराब हो जाता है तो बिजनेस खराब हो जाता है। फिर वैसे भी लग्न के अंदर तुम्हारा राहु है, जो कि अपने अंदर भी गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन को बढ़ा के चलता है और समय समय पे खराबी के हालात और गृहस्थी के सुखों के लिए भी कुछ ना कुछ कमजोरी के योग ये जरूर बना देता है, ठीक है, और काम की सेटिस्फेक्शन के योग को खराब करता है। तो इसका अगर समय आया हुआ है तो ये तो काम खराब करेगा। ऊपर से बेटा तुम चंद्र मांगलिक भी हो, जिसमें कि इंसान जिंदगी के अंदर काम करे वो अच्छा रहता है, लेकिन बहुत अच्छे दर्जे तक पहुंच नहीं पाता और घरेलू जीवन के अंदर भी परेशानियों के योग बनते हैं। और तुम्हारे बचपन के अंदर तुम्हारे माता पिता के घर के अंदर भी तकलीफों के योग रहे होंगे। ये सारा योग है बेटा तुम्हारी कुंडली में। इसके लिए अभी अपने कामकाज को, जो 2017 से तुम्हारे लिए खराबी के ऊपर आ गया, इसको ठीक करने के लिए 43 दिन 4 पीले नींबू बिना दाग के लेके उनको जल प्रवाह करो। ये सबसे पहला तुम्हें उपाय करना है। उसके बाद हर मंगलवार को दूध के अंदर हलवा बनाकर के बेटा मंदिर चढ़ा करके वो बांटती रहो। और हर रविवार को तांबे की थाली में गुड़ और गेहूं भर के चाहे राह चलते किसी गरीब को दान दे दो या जल प्रवाह करते रहो। इतने से उपाय बहुत है तुम्हारे लिए। और तुम्हारा कपड़े का काम है तो चंद्र और शुक्र तुम्हें दोनों ही सपोर्ट कर रहे हैं और परमात्मा की दया से तुम्हें बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, लेकिन इन उपायों के बाद। खुश है दादा। गुरुदेव मैं पूछना चाहती हूँ आपसे आज कि अगर बुरा सपना आया है तो ऐसा कभी हकीकत में ना हो, और अगर अच्छा सपना आया है तो उसे हकीकत में तब्दील करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? बेटा इसके लिए करने की जरूरत कुछ नहीं होती, ये कुदरत ने किया कराया होता है। कैसे? इनकी डेफिनेशन में तुम्हें समझा देता हूँ। बहुत सारी दुनिया ऐसी है बेटा जिनको ये सपना आता है कि वो दौड़ने लगी, दौड़ती गई और दौड़ते दौड़ते वो उड़ने लग गए। ये सबसे औसम सपना होता है। आप ये कह रहे हो कि इससे अच्छा सपना और सपनों में बना नहीं कोई, ठीक है। दूसरा होता है कि आप घर पे बैठे हो, सो रहे हो, सोते सोते उड़ने लग गए, ठीक है, लेकिन जब आपकी नींद खुली तो आपके आसपास बहुत सारे लोग थे जो खुशी का माहौल मना रहे थे। ये भी बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। और यानी कि ये जीवन के अंदर तरक्की देता है, नया माहौल देता है, नया घर देता है, सब कुछ ये देगा। कई लोगों को ऐसा सपना आता है कि वो बहुत ऊंचे गए और वहां जाकर के झंडा लगा रहे हैं, पहाड़ चढ़ गए हैं, झंडा लगा रहे हैं, या बहुत सारे झंडों के साथ बीच में वो खड़े हैं, या वो झंडा लेकर के दाते के दरबार पे जा रहे हैं। बेटा ये तो अपने काम काज को समझ लो, आप जिस भी स्तर पे हो उसको बहुत अच्छा करके आगे लेके जाने लगे हो, ये भी सपना बहुत अच्छा होता है, ठीक है। फिर इसके अंदर सपने इस तरह के भी आते हैं जिसके अंदर आदमी बहुत सारा पैसा अपने आसपास में देखता है, लेकिन वो पैसा किसी और की कस्टडी में, लेकिन वो आपको दे रहा है, ये भी सपने बहुत बढ़िया बेटा, समझिए, और बहुत ही अच्छे। लेकिन बुरे समय, अब इनके लिए तो कोई इलाज करना ही नहीं, परमात्मा की दया से सब कुछ अच्छा जाएगा। लेकिन बुरे सपने जिसके अंदर इंसान अपने आप को पानी में डूबता हुआ देखता है,
उसके पीछे सांप लगे हुए हैं उनको देख रहा है, या इंसान वीरानों में, कब्रिस्तानों में, खंडरों में दौड़ रहा होता है, ये सारे सपने देखता है, या उसको नजर आता है कि वो अच्छा खासा चलता हुआ जा रहा है और जाते जाते वो बीच में आप गायब हो गए और डर के उठ जाते हो। समझे बेटा, ये सारे के सारे बुरे सपने होते हैं। और खास तौर पे अगर कोई आपको जानवर काट रहा है, किसी भी तरह का कीड़ा मकोड़ा या सांप या कोई जानवर, वो सबसे खराब सपने होते हैं। इन तरह के सपनों के लिए इलाज करने बेहद जरूरी है बेटा। जिस इंसान को भी मैंने अच्छे वाले सपने बताए, अगर वो आते हो, ऐसा इंसान जितना आध्यात्मिक होगा, जितना अपने बड़े बुजुर्गों के पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेने वाला होगा, और जितना ज्यादा रोज कुछ ना कुछ पढ़ के और सीख के अपनी सक्सेस के लिए वो कोशिश करेगा, उसको एक दिन बेइंतहा कामयाबी मिलेगी। और ये सपने ज्यादातर उनको आते हैं बेटा अच्छे वाले, कि जो गरीब परिवार में रहे हुए होते हैं, उन्होंने जिंदगी के अंदर पढ़ाई की या नहीं की वो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन वो अपनी जिंदगी में रोज प्रयास करते हैं और कभी भी खाली बैठने का गुनाह उन्होंने नहीं किया, उन्होंने जो भी काम मिला किया है। और ऐसे लोगों को यहां तक देखा जाता है कि पिता दादा तो सब्जी बेचते आए, लेकिन बच्चे ने हजार घर भी बना दिए। बहुत अरसा पहले बेटा, यानी कि शायद दो दशक या ढाई दशक पहले एक फिल्म आई थी जिसके अंदर सपनों का जिक्र होता था, ठीक है, और उसमें बताया गया था कि वाकई में हमारी जो टेलीपैथी है वो इतनी स्ट्रांग होती कि वो आने वाले भविष्य को पहले ही जान जाते हैं। ये जो सपने हैं, इनका पूरा आधार जो कनेक्शन है वो राहु है, और जिनकी टेलीपैथी बड़ी स्ट्रांग होती है उनका राहु अच्छा होता है। समझे, वो भविष्य में होने वाली घटनाओं को अभी देख लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं बेटा दुनिया में जो सुबह उठते हैं और जो कहीं जाकर के कहीं कोई काम करने हुए कोई अचानक किसी से मिलते हैं या कोई काम होता देखते हैं, वो कहते हैं अरे ये तो मैंने देखा हुआ है, समझे, ये मेरे साथ हो रहा है, ये मैं कर चुका हूं। मैं ये वाले अच्छे सपने माने जाते हैं, और ये आपका समझ लो राहु अच्छा है तो वो आपको बता रहा है, ठीक है, और भविष्य के होने वाली घटनाओं को पहले ही आगाह करता है। और ऐसे आदमी जब गहराई में सोच के किसी चीज का डिसीजन निकालते हैं तो वाकई में वो बुराइयों को हटा के अच्छे राह मार्ग को स्वयं चुन लेते हैं। लेकिन जो ये खराब सपने वाले, इनका राहु बहुत खराब होता है। जिनका राहु खराब हो उनका शनि खराब, और जिसका शनि खराब उसका केतु खराब, तो शनि राहु केतु इन्हीं का खेल है। अब ऐसे इन बच्चों को, इनसे दूरी बनाने के लिए करना क्या चाहिए? काले और नीले रंग के वस्तुओं का परित्याग तो उसी वक्त करते हैं कि काला और नीला रंग का कपड़ा और कमरे के अंदर कर्टन, चदरे या दीवारों के रंग में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपने कमरे के अंदर रखना क्या चाहिए? व्हाइट कलर, येलो कलर, रेड कलर, समझे, इनसे मिलते जुलते रंगों को अपने कमरे को सजा करके रखें। और जीवन के अंदर जो धारण भी करना उसके डार्क या लाइट कलर कुछ भी ये पहन के चले, लेकिन काला नीला रंग ये ना पहने, ठीक है। फिर इन बच्चों को एक आदत तो जरूर डालनी चाहिए कि अगर पूरा हफ्ता संभव हो तो पूरा हफ्ता, नहीं तो हफ्ते में सोमवार और बृहस्पतिवार के दिन ये मंदिर में मीठी चीजें जैसे खीर, हलवा, फल, मिठाई, मिश्री, पतासे, ये जरूर लेकर के जाएं, और इन सब के साथ थोड़े बहुत फूल जो भी ये ले जा सके, ताकि बुद्ध भी उसके अंदर मिश्रित रहे और बच्चों की बुद्धि पूरी तरह से अच्छी तरह से काम करे। और हर शनिवार को इनको उड़द साबुत, काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा, इनमें से कोई भी एक दो चीजें लेकर के दान भी जरूर करनी है। और शनिवार के दिन ही जब ये दान करे तो आते हुए गाय को ये कुछ ना कुछ खिला के या उसको अकेला पानी पिला करके और दो चार मिनट उसके शरीर पे हाथ फेर करके घर पे आए, देखो ये बिगड़े हुए ग्रह किस तरह से अच्छे होने लगेंगे, इन बच्चों की सहन शक्ति किस तरह से बनने लगेगी, इनकी पढ़ाई लिखाई कितनी अच्छी होने लगेगी। और अगर बड़े लोग हैं उनको ऐसे सपने आते तो देखो जिंदगी में किस तरह से आप एक अच्छे डिसीजन लेकर के अपने जीवन को अच्छी कामयाबी की तरफ कैसे लेकर के जाते हो, क्योंकि अच्छी चीजों के इलाज की ज्यादा जरूरत नहीं होती, लेकिन जो बुरी चीजें होती है उन्हीं के इलाज की जरूरत होती है। तो बेटा सपने जैसे मर्जी हो, लेकिन इनको करके देखो, जिंदगी के अंदर बहुत सुकून मिलेगा और बुरे ग्रहों से निजात मिलेगी। अच्छे ग्रहों की चीजों को मंदिर में पहुंचाते रहो और बुरे ग्रहों को दबाते रहो, जिंदगी अपने आप खुशहाल हो जाए। गुरुदेव, इस सपनों के बारे में चर्चा जो है इसको जारी रखेंगे, पर अभी इस वक्त हमारे साथ रेखा जुड़ गई है नई दिल्ली से। जी रेखा जी, गुरुदेव से आप कुछ भी सवाल जो पूछना चाहती हैं, उससे पहले अपनी जन्म तिथि, समय, स्थान बता दीजिए और फिर सवाल पूछ लीजिए आप। गुरु जी, ये मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 18 दिसंबर
2005 ठीक है। और टाइम में 2:35 दिन का दोपहर का ठीक है बेटा। हाँ जी तो ये जी क्या सवाल है आपका रेखा जी? गुरु जी मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ को मैं उनकी डेट ऑफ बर्थ में जो उनकी जो नानी है उनके लिए मतलब मैं पूछना चाहती हूँ उनके नानी और मामा के लिए। उनकी नानी की तबीयत बहुत ही खराब होती है और उनके मतलब उनके बड़े बेटे के साथ मतलब उनके काफी लड़ाई झगड़े मतलब कोई पूछते नहीं उनके बड़े बेटे उनको और उनका घर में उनको काम भी करना पड़ता है कोई मान सम्मान नहीं मिलता और उनके जो मामा है छोटे वाले उनकी तबीयत बहुत खराब रहती है। बेटा इस कुंडली के अंदर से जो मैंने इसकी नानी की कुंडली बनाई है उसमें साफ तौर पे एक चीज ये नजर आ रही है कि शुक्र की दृष्टि शनि के ऊपर जो रिश्तों को पैसों को माहौल को खराब करता है और घर की औरत की वजह से ही खराबी के हालात बनते हैं। एक ये दूसरा यहां पर बृहस्पति और राहु का मेल बन रहा है जिसकी वजह से ज्यादा बड़ी खराबी बन रही है और लग्न की बन रही है जिसके चलते हुए ये अगर मैंने नानी की कुंडली बनाई है तो उनको टेंशनों के माहौल मिलेंगे। केतु की दृष्टि मंगल के ऊपर ये ऐसे हालात में आकर के बैठ रही है जिसके अंदर घर की सुख शांति और समृद्धि और पुत्रों के सुख ये खराब होते हैं और ऐसे में अगर घर में कुछ भी बनाया गया हो यानी कि कुछ भी रिपेयर करवाया हो या कुछ भी मकान बनाया हो या नए मकान में शिफ्ट हुआ हो उसके बाद तकलीफें बहुत बढ़ा देता है और नया घर बनाने के बावजूद भी घर में सीलन के हालात बनते हैं ये भी हालात ये बना रहे ठीक है। और इसी योग के अंदर समझदारी नानी के अंदर बथेरी होगी इसमें कोई शक की बात नहीं लेकिन बस नहीं चलेगा क्योंकि चंद्रमा भी खराब और साथ में मंगल और राहु के भी खराबी के हालात जो घर में सुख शांति समृद्धि दोनों के लिए खराबी होता है। तो इसके लिए उपाय सबसे पहले 43 दिन लगातार कांसे के कटोरे के अंदर दही भर के बेटा वो मंदिर में दो। दूसरा उपाय 43 दिन लगातार तांबे का पैसा जल प्रवाह करो और तीसरा उपाय समझे कि हर महीने 7 नारियल लेकर के उसको जल प्रवाह करो और 3 महीने में एक बार काला सफेद कंबल लेकर के सर से 7 बार उतार के वो मंदिर के अंदर देते रहो। मात्र इतने से उपाय करो परमात्मा की दया से ये सारी परेशानी दूर होगी। ये जो माँ बेटे में भी प्रॉब्लम चल रही ये भी सारी खत्म होकर के घर में सुख शांति का वातावरण बनेगा और तुम कहो कुछ भी माँ समझदार बहुत है यानी कि नानी की समझदार बहुत है लेकिन जिद में अड़ने की आदत उनमें भी आएगी तो उसका भी इलाज इसी में हमने दे दिया ये जाके करो परमात्मा जरूर खुशियां देगा। गुरुदेव आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर किसी को एक सपना बार बार आ रहा है तो उसका क्या मतलब होता है? कि तो बहुत सी बार मैंने खुद भी देखा है बार बार एक ही टाइप का सपना आता रहता है तो वो किस और संकेत देता है? जी सपना अच्छा आ रहा है या बुरा आ रहा है बात इस पे भी तो डिपेंड है ना। और जिनकी जिंदगी में तरक्की होनी होती है मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि वो जब भी सोते हैं सोके उठते हैं तो उनको पता चलता है कि वो उड़ रहे थे ठीक है। वो जब भी सोते हैं और उठते हैं तो देखते हैं कि आस पास के लोग हैं वो खुशी का माहौल बना रहे हैं और वो इंसान दूसरों के काम आ रहा है दूसरे लोग उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं तो ये अच्छे सपने होते हैं। ये अगर बार बार आ रहे हैं तो ये तरक्की के घोतक होते हैं और जिंदगी उस वक्त में चाहे वो शख्स भिखारी की जिंदगी जी रहा हो एक समय में उसने राजा बनना ही होता है समझे ये चीज तो ये आने तो बार बार अच्छे हैं। लेकिन जो बार बार बुरा समय आता है यानी कि जब कईयों को ऐसा सपने आते हैं कि वो जंगलों में बियाबानों में दौड़ रहे हैं खंडरों में दौड़ रहे हैं कोई साया उनका पीछा कर रहा है या कोई सांप पीछा कर रहा है या कोई जानवर जो खूंखार जानवर वो उनका पीछा कर रहा है। कई लोग तो ऐसे ऐसे देखते हैं कि जैसे खून का समंदर हो गया या आग का समंदर हो गया इस तरह का या लावा उनके पीछे पड़ा हुआ है। बेटा ये तो बड़े खतरनाक वाले सपने हैं और बड़े खराब हैं और ये अगर बार बार आ रहे हैं तो ये भविष्य में आने वाले अपने घर के अंदर मुसीबतों के कारक होते हैं और अपनी जिंदगी के अंदर फेलियर के कारण होते हैं और उस वक्त में वो इंसान जो भी कार्य कर रहा होता है वो सिरे नहीं चढ़ेगा और अपनों के साथ में भी बैर रहेंगे और दुनियादारी का भी सपोर्ट नहीं होगा और जो कर्म उनके पास से होंगे वो अपने घर वालों को और दुनिया वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे और उनकी जिंदगी के अंदर गिरावट आके रहेगी। ये बुरे वाले सपने इस तरह के हालात पैदा करते हैं। इसको अच्छा करने के लिए ही मैंने आपको बताया था कि ऐसे सपने जिसको भी आते हैं वो मंदिर के अंदर जरूर जाए
और किसी भी तरह का मीठा अपने घर से और फल फूल लेकर के समय समय के ऊपर वो जाता रहे और आते हुए पंडित जी के पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद जरूर लेकर के आए और हर शनिवार को उसको उड़द साबुत काले चने सरसों का तेल काला कपड़ा लोहा या कोई तवा चिमटा अंगीठी इनमें से कोई भी एक चीज लेकर के शनिवार ये दान जरूर देता रहे। ठीक है, और ये उपाय अगर वो करता रहेगा तो इस तरह की मुसीबतों से छुटकारा मिलता रहेगा। लेकिन अगर हिंसक सपने आ रहे हो कि जिसमें लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अपनों के साथ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और कोई आपको मार रहा है या आपने किसी को चोट पहुंचा दी, ये मंगल के सपने होते हैं, गर्म ग्रहों के सपने होते हैं। ऐसे में बेटा गुड़ के हलवा बनाना है, लेकिन आटे का गुड़ का हलवा बना करके अगर आप हर मंगलवार को बांटते हो या 43 दिन लगातार बांट देते हो तो इस तरह के सपनों से भी आपको निजात मिल जाएगी और जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, समझिए। और जिनके ये सपने बहुत खराब वाले हैं, इनका एक ही इलाज है, मंदिर में जाना और शनि के दान करना और शनि के दान करते आते हुए गाय की सेवा करके आना, बेटा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बुरे सपने आ रहे हैं, बुरा भविष्य नहीं होने देंगे, भविष्य को अच्छा ही रखेंगे और बहुत जल्दी ये चले भी जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे। गुरुदेव, समय का सपनों से क्या संबंध होता है? मैंने सुना है कि सुबह के सपने सच हो जाते हैं, क्या ये सच है वाकई में? ये बात सत्य है और एक बार नहीं हजारों बार आजमाई हुई बातें हैं। ये जिनका भी राहु बहुत स्ट्रांग होता है, तीसरे घर का हो छठे घर का हो और बृहस्पति भी अच्छी अवस्था के अंदर बैठा हो, तो किस्मत एक तरह की सपोर्ट करती है और आने वाले समय का ये बेटा पहले ही अंदाजा लगवा देती है और जो सपना आता है वो सत्य होता है, समझिए। इसमें वो अच्छे सपने भी होते हैं, इसमें वो बुरे सपने भी होते हैं। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि अगर बुरे सपने हो तो क्या करना चाहिए, अच्छे सपने हो तो क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इसका हल तो यही है, लेकिन क्योंकि राहु इसके अंदर इंक्लूड होता है, अगर ये सपने बार बार आकर के आपको दुखी करें, बार बार आपके मन को विचलित करें और आप चाहते हो कि ये सपने आने हट जाए, समझे, ये भी करना बहुत जरूरी है बेटा। नहीं तो क्योंकि इस लोक में रहकर परलोक की चीजें पता चलेंगी या आने वाले भविष्य की बातें पता चलेंगी तो इंसान अपने आप में बहुत परेशान हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे में इस राहु को उसकी सही जगह पे पहुंचाना बेहद जरूरी हो जाता है। तो उसके लिए उपाय क्या है? 27 दिन लगातार 6 नीले फूल सांझ के समय लेकर के किसी भी मंदिर के अंदर मां सरस्वती की मूर्ति के आगे या फोटो के आगे चढ़ा करके आए। जब आप ये उपाय कर लेंगे बेटा, उसके बाद में ये राहु अपने आप आपको ये इंडिकेशन जो बार बार देता है बेटा, जो अच्छे के लिए भी बुरे के लिए भी बेटा ये चीज हट जाएगी। और जो चाहते हैं और जिनको अच्छे सपने आ रहे हैं कि वो सपने लगातार उनको और आते रहे ताकि भविष्य और बेहतर बने, तो उन लोगों को चाहिए कि सिक्के की एक गोली यानी कि लेड की एक छोटी सी गोली बनवाकर सदा अपनी जेब में रखें, ठीक है। तो इन उपायों को अपना के देखो, परमात्मा सब भली करेगा। बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर इस वक्त हमारे साथ पंकज वाजपेयी जुड़ रहे हैं ग्वालियर से, लाइव जुड़े हुए हैं पंकज जी। पंकज, इससे पहले गुरुदेव से आप अपना सवाल करें, उससे पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि समय स्थान बता दीजिए और फिर सवाल पूछ लीजिए आप। नमस्कार गुरु जी, मेरा नाम पंकज वाजपेयी है और मेरी जो जन्म तिथि है वो 4/6/1988 है। जन्म स्थान ग्वालियर है और जन्म का समय 7:30 है। गुरु जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरा एक न्यायालय में विवाद चल रहा है और वो विवाद कई सालों से चला आ रहा है, उसमें मैं काफी दिनों से परेशान हूँ, तो आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ उस न्यायालय विवाद से मुझे कब तक छुटकारा मिलेगा? बेटा, जब जीवन में राहु की महादशा आती है, राहु अच्छे हो तो इंसान को बहुत तरक्की देते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में पुलिस कोर्ट कचहरी तो दे ही जाते हैं कहीं ना कहीं।
लेकिन अगर ये बुरे हों तब तो ये बहुत ही बुरा हाल करते हैं, लेकिन तुम्हारे तो फिर भी ठीक ठाक बैठे हुए हैं, ज्यादा बुरे नहीं है। ठीक है, अब ऐसी अवस्था में ये वाकई में कोर्ट कचहरी पुलिस ये देकर के जा सकते हैं और जिंदगी में फ्लक्चुएशन बहुत देंगे, कभी ऊपर कभी नीचे झूले की तरह चलाएंगे। तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर 12वां घर बेहद एक्टिव है सूर्य बुध शुक्र की वजह से, जिसके कारण बेटा वाकई में वकीलों के चक्कर जीवन में आते ही आते हैं और राहु भाग्य स्थान के अंदर बैठा हुआ चोट देता ही देता है। अब एक और शनि देव की दृष्टि इनके ऊपर, तो बेटा तो अपने आप ही जो शनि है वो जज है और काले कपड़े वो और बुध साथ में मिला हुआ वो वकील है, तो बेटा ये तो अपने आप ही संयोग बन गया ना। तो इससे बचने का सबसे उत्तम रास्ता, सबसे पहले बेटा तुम्हें करना चाहिए कि हर मंगलवार को सफेद धोती काली किनारी वाली लेकर के ये जवान पंडित को देनी शुरू करो, कम से कम 27 मंगलवार के दिन। दूसरा करना चाहिए, शुक्रवार के दिन मिट्टी के लोटे के अंदर सरसों का तेल भरकर उसमें मुंह देख करके ढक्कन को सीमेंट से बंद कर दो और शनिवार दोपहर को इसके साथ 2-4 ईंटें बांध के उसको जाके खड़े पानी के अंदर छोड़ाओ और उसके बाद 6 दिन लगातार उसी खड़े पानी के अंदर 6-6 साबुत बादाम भी गिराओ, ये करना। फिर उसके बाद में हर रविवार को कांच के मर्तमान के अंदर लाल फिटकरी भर के कांच का ही ढक्कन लगा के बेटा ये जल प्रवाह कर दो और कम से कम 12 रविवार कर दो। ये करते ही ये सारा जो ये सिस्टम बैठा हुआ है, ये सकर बैठा हुआ है, ये टूट जाएगा और इसके टूटते ही हर हालत में अच्छी किस्मत सामने आएगी, जिसके चलते हुए तुम्हारा ये कोर्ट केस वाकई में निजात पा देगा। अगर मैं वैसे डेट बताऊं तो अभी भी ये 4 साल लगे हुए हैं, लेकिन अगर ये उपाय करोगे तो बहुत जल्दी किस्मत सपोर्ट करेगी और बहुत जल्दी ये कोर्ट केस हट जाएंगे और उसके बाद दोबारा नहीं आएंगे। कभी भी जिंदगी के अंदर ये दोबारा आने के हालात बने तो ये कांच के मर्तमान में लाल फिटकरी वाला उपाय दोबारा कर देना और ये धोती वाला जो सफेद धोती काली किनारी वाला है इसका उपाय दोबारा कर देना। जिंदगी में कभी भी दोबारा इस तरह की मुसीबत में नहीं फंसोगे। खुश रहना। गुरुदेव, हम सभी को अपने आपस में जितने भी संबंध है वो बहुत प्यारे होते हैं और मृत्यु से तो सभी को बहुत डर लगता है, और खास तौर पे अगर हम सपने में कुछ ऐसा देख लें कि जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसकी मृत्यु हो जाए, तो इस सपने का क्या मतलब होता है? बड़ा ये भी बड़ी अटपटी साइंस है जी। इसके अंदर अगर आप किसी की मृत्यु होते हुए देखते हो और वो मर जाता है तो समझ लो उस आदमी की उम्र लंबी हो गई। इसका मतलब ये कि उस इंसान को छोटी मोटी तकलीफें आएंगी और उससे पहले ही परिवार बिल्कुल अलर्ट भी हो जाएगा और आप अलर्ट होकर के उनका इलाज भी करवाओगे, जो कि रियल में होगा, लेकिन उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं, वो लंबी उम्र पाएगा। लेकिन इसके विपरीत एक और सपना आता है, जब आप घर में किसी न किसी की शादी हुए होते हुए देखते हो। हाँ, ये बहुत समझे, ये जो सपना है उल्टा ये ज्यादा अच्छा नहीं है। जब आप किसी की वाकई में शादी होते हुए पूरी देखते हो तो उस वक्त में बल्कि उल्टा खराब हालात ये बनते हैं कि उसको आदमी को शारीरिक कष्ट भी आते हैं, घर में कलेश भी होते हैं और आपस में भी बिगड़ने के हालात बनते हैं और कोई ना कोई बहुत बड़े लॉस का कारण बनता है। समझे, यहाँ आकर के ये थोड़ा सा अलग हो जाता है कि यानी अच्छा देख रहे हो तो बुरा हो रहा है, बुरा देख रहे हो तो अच्छा हो रहा है। ठीक है, इन सबके बीच में एक और तरह का सपना होता है बेटा, कि जिसके अंदर कभी आप पानी में होते हो तो कभी आप आग में होते हो, कभी पानी में होते हो तो कभी आप आग में होते हो, या कभी आप पानी में होते हो तो कभी आप रेगिस्तान में होते हो। तो ये जिंदगी के वाकई में जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव रहेंगे, कोई आपको सपोर्ट करेगा और कोई आपके साथ दगा करेगा, लेकिन आप दोनों ही हालातों के अंदर पूरी मेहनत करते चले जाओगे, ये कुंडली के अंदर का योग होता है। ठीक है, और ऐसी अवस्था के अंदर सबसे उत्तम ये है कि इस तरह के कंफ्यूजन वाले जो भी सपने आ रहे हों तो भोलेनाथ की शरण के अलावा इससे बढ़िया चीज और नहीं हो सकती कि आप ऐसी अवस्था के अंदर पंचामृत बना करके सोगे, वो बना करके पंडित से आप पूछो, वो आपको बताएंगे क्या क्या सामान घर से लेके आना, उसको बना करके बेटा भोलेनाथ का अभिषेक करके आओ, देखो ये बुराइयों के सपने तुम्हारे पास से दूर होने शुरू हो जाएंगे। और जब भी ये शादी होने वाला सपना आए उस वक्त में खास तौर पे आपको चाहिए कि जो बड़े बड़े फ्रूट होते हैं जैसे खरबूजा, तरबूज, समझिए ये इस तरह के होते हैं, इनको लेकर के ये मंदिरों के अंदर आप चढ़ाना शुरू करो। ठीक है, और जब भी किसी की मृत्यु के सपने आए, समझे, वैसे तो उसकी उम्र वैसे ही लंबी हो जाती है, तो जिसकी मृत्यु आप देख रहे हो समझे, उनके हाथ से आप
कुछ अगर किसी भी प्रकार का अनाज अगर दान करवाने लगते हो तो एक तरह का और अच्छे हालात बनते हैं। और सतनाजा इसमें दान करवाना उसकी आयु को भी लंबा करेगा, घर की तकलीफों को भी बहुत जल्दी दूर भगा देगा। तो इस तरह से बेटा इन सपनों का अगर इलाज करते हो तो जिंदगी सदा खुशहाल ही बनी रहती है। तो इससे पहले आगे बढ़े हमारे साथ दिल्ली से रश्मि जुड़ी हुई है। रश्मि, गुरुदेव से आप अपना सवाल पूछें, उससे पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि समय स्थान बता दीजिए और फिर सवाल पूछ लीजिए गुरुदेव से आप। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे बेटा। मेरा नाम रश्मि खन्ना है और मेरे जन्म की तिथि है 19 नवंबर 1995। ठीक है। और स्थान दिल्ली का है और समय सुबह 6:15। ठीक है, क्या जानना चाहता बेटा? गुरु जी, मुझे मेरे करियर के बारे में पूछना है। एक तो बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं हो रही है और ऊपर से ना मैंने अभी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं रहती है और मैंने अभी नॉवल भी लिखना मतलब दो लिखी है पर कुछ भी नहीं हो पाया उसका ना, जैसे मतलब जो मिलना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं मिल पाए। जितना डिजर्व करती हूँ मैं या जितनी मैं ट्राई कर रही हूँ उस हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी तुम किस चीज में ट्राई कर रही हो बेटा, क्या पढ़ रही हो? अभी मैंने पहले तो मैं बताती हूँ, मैंने नॉवल लिखे हैं, दो नॉवल लिखा है और अभी फिलहाल मैं लैंग्वेज कोर्स कर रही हूँ। अब सुनो बेटा, तेरी कुंडली बहुत अच्छी है और तेरी कुंडली के अंदर लिखा हुआ है कि तू बिना डिग्री के डॉक्टर होगी। और ये क्यों ये शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, ऐसे बच्चे पढ़ लिख करके सीख करके वहां नहीं पहुंचते जितने कि अपने रोज के एक्सपीरियंस से रोज की कोशिशों से ये बढ़ते ही चले जाते हैं। और ये अभी बेटा तेरी किस्मत के अंदर बहुत देर तक चलना है और अभी तो तेरा ये 24वां साल चल रहा है, ये अभी बेटा 28 के 33 के बीच में जितना तेरे को फेमस करेगा और जितना तेरे को बड़ा बना देगा और जितना तेरा नाम होगा तो आज की डेट में सोच भी नहीं सकती। और ये बहुत ही शानदार योग है और इसी योग के चलते हुए तेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी रहेगा, पूरी चुस्ती चलाकी तेजी भी रहेगी और तू जिंदगी के अंदर बेहद कामयाब भी होगी। शर्त एक है कि शनि चौथे घर का बैठा हुआ आलस देगा और जब तक तेरे घर में मकान रिपेयर होगा तब तक तकलीफें देगा। 12वें घर का राहु ये तेरे को जिंदगी के अंदर बार बार कोशिश करेगा कि तेरे को जिद दे करके तेरे को खराब करे और तो जो भी काम जिद करके करेगी वो तेरा जरूर बेटा बिगड़ेगा, इसलिए जिद करके कभी कोई काम नहीं करना है, इसका ध्यान रखना। और जहां भी तुम अपने घर पे रहती हो वहां पर उसकी छत के ऊपर कभी भी लकड़ी लोहा कबाड़ वगैरह बिल्कुल ना हो और खासतौर पर चौखट वगैरह जो मकानों की उतर जाती बेटा वो घर की छत के ऊपर कभी भी ना हो, इसका खास ख्याल रखना। मैं यहां पर तुम्हें ज्यादा बड़े उपाय नहीं देने वाला, बहुत छोटे छोटे से उपाय देने वाला हूं। और एक ये कि हर 3 महीने बाद 3 किलो कच्चे कोयले जल प्रवाह कर दो, इससे पानी भी साफ होता है बेटा, ठीक है। और दूसरा, हर शनिवार को थोड़ी सी उड़द साबुत को सरसों का तेल लगा करके वो दान दे दो, दूसरा ये उपाय। और तीसरा, मंदिर में जाकर के बेटा चंदन को घिस करके, ठीक है, वहां रखा होता है बेटा सिर बेटा और साथ में ये चंदन रखा होता है, उसको घिसके थोड़ा सा चंदन परमात्मा के चरणों पे और बाद में वही चंदन अपने माथे पर लगा करके आते रहो और हर मंगलवार को 200 ग्राम पतासे बांटते रहो बेटा, तेरी सक्सेस बहुत अच्छी होगी। ये जो तू राइटिंग कर रही है ये भले ही ये अभी तेरे काम ना आए लेकिन आगे चल के बेहद काम आने वाली है और बहुत ही अच्छी सक्सेस पाएगी और करते करते तू एक ऐसी मास्टर बन जाएगी कि दूर दराज से लोग तेरी बातें सुनने मानने और उसी तरह से अपना जीवन बनाने के लिए तेरे पास चल के आएंगे। ये तेरी कुंडली में बेइंतहा शानदार योग है और इसके अंदर कब इंसान रास्ता दिखाने वाला टीचर बन जाता है, लोगों को पढ़ाने वाला और मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है इंसान को पता भी नहीं चलता और जिंदगी में सदा ही बढ़ती उम्र के साथ खुशहाली आती रहती है। तो ये तेरा जीवन है और उपाय बिल्कुल लगभग ना के बराबर, सदा सुखी रहो बेटा, खुश रहना। गुरुदेव, समय ज्यादा नहीं है हमारे पास तो जाने से पहले आपसे आज का खास गुरु मंत्र लेते जाएंगे। बेशक बेटा। बेटा बात सपनों की चल रही है और सपनों की अगर जब हम बात कर रहे हैं तो मैंने बताया कि राहु इसके अंदर बिल्कुल इंक्लूड होता है और राहु को अगर दबाने की कोई ताकत रखता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ मंगल, ठीक है।
अब मंगल और राहु का मेल हम किस किस तरह से बना सकते हैं? औरतों को आपने देखते हैं ना कि औरतों की मांग के अंदर लाल रंग का सिंदूर और माथे पे लाल रंग की बिंदी लगाई जाती है, ये भी उनके राहु को हमेशा शांत रखने के लिए लगाई जाती है। जिन लोगों को बिहड़ों में, जंगलों में, कब्रिस्तानों में भागने के सपने आते हैं और ऐसा लगता है कि कोई पीछा कर रहा है, उन लोगों को चाहिए कि लाल रंग की फिटकरी। फिटकरी भी बेटा दो तरह की होती है, एक नॉर्मल सफेद रंग की आती है और कईयों के अंदर आप देखोगे बहुत ज्यादा लाल रंग भी होता है। तो ढूंढ के लेके आइए छान के कि लाल रंग की ज्यादा ज्यादा फिटकरी ला करके उसको अपने तकिए में रख करके सोएं, आप देखिए आपको वो बुरे सपने भी आने बंद हो जाएंगे। और तीसरा, अगर सपने आते हैं याद नहीं रहते लेकिन सुबह जब आप उठते हैं तो मन विचलित भरा होता है और आपको पता भी नहीं होता कि रात को हुआ क्या है, ठीक है? अगर इस तरह की सिचुएशन आपके जीवन में है तो आपको क्या करना चाहिए, एक लाल सूती कपड़ा लीजिए और रेशमी ना हो, चमकीला ना हो, इस बात का खास ख्याल रखें। लाल सूती कपड़ा लेके उसमें दो चार मुट्ठी सौंफ वो भर के और कम से कम 7 या 9 रत्ती का मूंगा उसके अंदर रख के, जो कि तिकोना ना हो, ओवल शेप में हो, ठीक है, वो उसके अंदर रख के उसको इस तरह से सिलाई कर लीजिए कि वो फैल के तकिया बन जाए। तो या तो तकिए के नीचे रखना या तकिए के लिहाफ के नीचे उसको रख करके तब सोइए, देखिए नींद बहुत अच्छी आएगी। ये जो आप सुबह उठ करके विचलित रहते थे और आपको पता भी नहीं होता था कि रात को कुछ क्या हुआ है, लेकिन हुआ कुछ जरूर है, इसके कारण जो परेशानी आपकी बनती थी वो परेशानी आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। दाता खुश रहे। तो आज का हमारा ये एपिसोड देखने के बाद हम ये उम्मीद करते हैं कि बुरे सपने अब आपको परेशान नहीं करेंगे और अच्छे सपने जरूर सच होंगे। बस गुरुदेव ने आज के हमारे जो एपिसोड में तमाम बातें बताई हैं वो आप याद रखें और समय के साथ उपाय करते रहें। गुरुदेव, हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी सबको सुखी रखे और खुशहाली बख्शे दाती। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब